कक्षा दसवें जो व्याकरण है वो व्यावहारिक व्याकरण है, और व्यावहारिक व्याकरण का मतलब है व्यवहार में आ चुकी। पहले भी आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, जैसे क्रिया है, विशेषण है, कारक है और संधि वगैरह तो नहीं है आजकल, समास है, और इन विशेषताओं के साथ साथ वाक्य का शुद्धिकरण है। ये सभी दसवीं कक्षा में व्यावहारिक व्याकरण के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यावहारिक व्याकरण। अब इसमें सबसे पहले जो लिया जाए वह क्रिया, वैसे आप सभी नाम से परिचित हैं, क्रिया यानी किसी काम को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्यों में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने, कराने या व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को करना या कराने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य को करने का, कराने का ज्ञान हो, बोध हो, जानकारी हो, उसको क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे क्रिया में क्या होता है, क्रिया का जैसे उदाहरण, वह दोनों विद्यालय में पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है वह लिखने के थोड़ा सा, वह दोनों विद्यालय में पढ़ते हैं, वह दोनों विद्यालय में पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा उदाहरण है वह 8 बजे चला गया, अब पढ़ते हैं वह दोनों विद्यालय में पढ़ते हैं। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है। वह 8 बजे उठता है या वह दोनों 8 बजे उठते हैं, उठना क्या है, क्रिया है। ठीक है, इसलिए क्रिया की परिभाषा के साथ साथ प्रत्येक बालक को कम से कम 1 या 2 उदाहरण तैयार रखना चाहिए। और अब कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है अकर्मक क्रिया का तात्पर्य क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं होता, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आप में से कोई बता सकता है क्योंकि बच्चे हैं, जैसे अकर्मक क्रिया का कोई उदाहरण है, ऐसा प्रकाश हंस रहा है, अकर्मक क्रिया का पहला उदाहरण है, जैसे प्रकाश हंस रहा है, ये कर्ता के ऊपर निर्भर है। वह रो रहा है, राम खेल रहा है, कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो ये कर्ता के ऊपर निर्भर है। ठीक है ना, इसमें कोई कर्म नहीं हो वह अकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण प्रकाश हंस रहा है, कौन हंस रहा है, प्रकाश यानी कोई बालक, कोई व्यक्ति, कोई नाम, यह हंस रहा है, सकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया का तात्पर्य है, जैसे आपने अकर्म क्रिया का तात्पर्य बताया, वैसे सकर्म क्रिया से
क्या तात्पर्य है, जिसमें कर्म कर्म न होकर के और क्रिया क्रिया का संबंध हो, ठीक है, उसे सकर्मक मतलब तो नहीं बोल रहा हूं, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता, कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता हो वह सकर्म क्रिया कहलाती है। जैसे लड़कों ने आम खाए, जैसे कितनी देर है जी, सकर्मक क्रिया में पहला उदाहरण है जैसे लड़कों ने आम खाए, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, समझ में आई? ठीक सर।